हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाया सूजी का हलवा। दोस्तों ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। आप कितने भी नए हों, बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये हमने एक कटोरी रवा ले लिया है, यानी कि सूजी। एक कटोरी हमने चीनी ले ली है और एक ही कटोरी हमने देसी घी लिया है। दोस्तों अगर देसी घी में बनाएंगे तो आपका सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी और ये है सूखा नारियल, जिसे हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। तो आपके पास जो हो वही डालें, ना हो तो ना डालें, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम अपने देसी घी। तो आधा ही डालेंगे दोस्तों हम अभी देसी घी। तो घी गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट और इन्हें हल्के आग में तल लेंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे। दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इस हल्का सा ही भूनना है, जिससे ये क्रंची हो जाए और टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसका, इस तरह से भूनने से। तो इस तरह हम सभी ड्राई फ्रूट अपने भून लेंगे। दोस्तों रेसों का ख़ास ख्याल रखें, जिस भी कप या कटोरी बाउल से जिस पे नापें आप, तो उसी से ही सारी चीज़ें ले लें, तो उससे बहुत अच्छा आपका सूजी का हलवा बनेगा। तो ये ड्राई फ्रूट हमारे तल चुके हैं, अब इसमें डाल दिए हमने सूजी, तो अब इसे भी तल लेंगे अच्छे से। तो घी हमें थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा और डाला है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कलर चेंज हो गया है, सूजी हमारी भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे पानी, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी डालना है दोस्तों हमें, और ये 3री कटोरी भी डाल दी है हमने। अब इसे 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम करेंगे मीडियम, और उसके बाद हम 2-3 मिनट तक इसे ढक के पकाना है। इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरह से। तो अब डाल देंगे हम चीनी। तो चीनी भी दोस्तों हमें अभी आधी ही डालनी है, आधी हम बाद में डालेंगे। इस तरह से चला देंगे, उसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हमने चेक किया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा हलवा। दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से, एक बार ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका सूजी का हलवा कैसा बना। तो अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने काट के भून के रखे थे। दोस्तों हमें थोड़े बचा के रखने हैं। अब डालेंगे इसमें घी और जो बची हुई चीनी थी वो भी डाल देंगे, और इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हलवा कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार है। तो अब इसमें डालेंगे हम फूड कलर, अगर आपको पसंद हो तो डालें। फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए, देख
दोस्तों हमने थोड़ा फूड कलर डाल दिया है और ये हमारा हलवा बनके तैयार है। तो देखिए, आप देख सकते हैं हलवा बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार ट्राई ज़रूर करें दोस्तों, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।